हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट चलो स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एग्जाम से पहले देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहा जा सकता है। क्योंकि आज तक मेरे इस चैनल में जितने भी वीडियोज आए हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट ही आए हैं, ठीक है। मेरे को जानकारी पहले मिलती है तो हम पहले वीडियो बनाएंगे ही, ठीक है, और बनाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि भी रहे तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे सुभाष आप सभी को एडमिट कार्ड बारे में बता दिए थे, क्योंकि हमको कल ही पता चल गया था कि एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को बता दिए थे सारा कुछ, तो आप लोग का आ भी गया आज एडमिट कार्ड, जैसे कि बताए थे वैसा आ भी गया, ठीक है, तो आना ही था, ठीक है, टेंशन की बात नहीं। अब एडमिट कार्ड में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि चीज़ आप अपने से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले एडमिट कार्ड आप लोग के सामने डाउनलोड करेंगे हम, ताकि आप लोग को लग रहा होगा कि एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया, तो वो सारा कुछ आप लोग यहीं क्लियर हो जाए, ठीक है। सारा प्रूफ के साथ हम काम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एडमिट कार्ड वाले में क्लिक करेंगे, कोर्स सेलेक्ट करना है FYHB, ठीक है, सेमेस्टर जैसे कि इनका थर्ड है और रोल नंबर ए अपने स्वेच्छा से दिए हैं, इनका नाम है विवेक जी, ठीक है, तो चतरा कॉलेज से, तो इन्होंने अपने मन से दिए हैं तो इनका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सारा तो ठीक है, इनका नाम विवेक कुमार प्रजापति है, ठीक है, ए इनको कोई दिक्कत नहीं है इनका नाम लेने से, ठीक है, ये बोले। देखिए फ्रेंड्स, AC3 पहला टेंशन तो यहाँ आप लोग को आता है, अगला देखिए, अगला क्या है यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, परीक्षाएं प्रकाशित तिथि को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी, विशेष जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, निर्धारित समय से आधे घंटे विलंब से आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ठीक है, आधा घंटा ज़्यादा लेट से नहीं जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को एक बार सौंपी जा चुकी है वो किसी भी हालत में परीक्षार्थी को लौटाई नहीं जा जाएगी, यानी एक बार आप लिख के दे दिए हैं तो दूसरा बार आपको नहीं मिलने वाला। परीक्षा कक्ष से प्रश्न पत्र और प्रवेश पत्र के अलावे अन्य कागजात बाहर ले जाना विद्यार्थियों के लिए वर्जित है। ये सब तो सामान्य निर्देश है जो कि हर बार बताता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी आगे दिखाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र बांटने के ठीक 5 मिनट पहले घंटी बजाई जाएगी, जो इस बात की चेतावनी होगी सभी परीक्षार्थी अपने स्थानों पर बैठ जाएँ। चेतावनी की इस घंटी के बाद परीक्षा भवन या उसके निकटवर्ती स्थानों पर कोई भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा बहिष्कार करने या सामूहिक कदाचार करने पर पुनः परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। वीक्षक या केंद्र अधीक्षक को डरवाने या धमकाने अथवा प्रताड़ित करने से 2 से 5 वर्षों तक विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। तो ये सब गलत चीज़ें नहीं करना। आगे देखिए, परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में मोबाइल लाना वर्जित है, पकड़े जाने पर परीक्षा से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा। इस नियम में जो बातें ना आ सकी हैं उनके संबंध में केंद्र अधीक्षक आवश्यकता अनुसार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यथोचित आदेश दे सकते हैं, उसकी सूचना विश्वविद्यालय को भेज दें। परीक्षार्थी, ये मेन चीज़ लास्ट में दिया जाता है, परीक्षार्थी को भाषा लैंग्वेज के अलावा बाकी सभी विषयों की परीक्षा केवल हिंदी या अंग्रेजी स्क्रिप्ट में लिखना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन का प्रश्न रहता है कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन रहा तो हम हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ तो बता दिया गया ना कि अगर आपका इंग्लिश का इंग्लिश मेजर है तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक है, हिंदी मेजर है तो हिंदी में ही लिखिएगा। लेकिन मान लीजिए सेक पेपर, MDC पेपर और सेक MDC में माइनर में अगर आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन है तो भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, आपका मन, बाय लैंग्वेज, ठीक है, आप देखो मन जिस तरह से आप लिखना चाहें, ठीक है, लेकिन यही सब सब्जेक्ट में। अब आगे देखिए क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पॉलिटिकल साइंस आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश में नहीं लिखेगा, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश से लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर AC3 को लेकर है, देखिए अब यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा पेपर पढ़ना है, यहाँ पर AC3 लिखा हुआ है, MIL2 लिखा हुआ है। अभी हम जाएंगे सिलेबस में आप लोग के सामने, ठीक है, और सर्च करेंगे, देखेंगे AC3 MIL2 हिंदी, इनका हिंदी है तो हिंदी देखेंगे, MIL2 में कौन सा सिलेबस दिया है, पुराना वाला या नया वाला, ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम हिंदी के सिलेबस में आ चुके हैं, MIL2 लिखा हुआ था, AC3, अब देखते हैं इस नाम के कौन सा सिलेबस है, सो ठीक है, खोजते हैं स्टूडेंट्स कि इस नाम से कोई सिलेबस है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, AC2 यहाँ पर लिखा हुआ, AC3 देखते हैं, ठीक है, किधर लिखा हुआ है, और MIL2 थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं, अब देखते हैं
माइन MIL2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए MIL2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, MIL2 और AC3, तो ये हिंदी में जो यही नाम रहेगा इनका, ठीक है, MIL2 AC3 है। ये MIL2 वाला ज़्यादा करके मुख्य है, ठीक है, MIL2 वाला पढ़ना है, यानी कि यही वाला पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश में भी MIL2 AC2 को बोला गया है। आई होप आप लोग को कन्फर्म होगा कि AC2 इंग्लिश में पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है सो MIL2 AC3 लिखा हुआ है, वो वाला पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, ज्ञापन, निबंध। अब इंग्लिश वालों के लिए देखते हैं MIL2 कौन सा है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले AC में पेपर में आ गए, इंग्लिश के AC पेपर में आ चुके हैं, तो हम लोग को सेकेंड नंबर वाला सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये AC1 तो आपको सेमेस्टर 1-2 में कवर हो जाएगा, अब सेमेस्टर 3 के लिए हम लोग को AC2 पढ़ना है, ब्रिटिश लिटरेचर, ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी सेकंड नंबर वाला हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें भी सेकंड नंबर वाला द लिखा हुआ ऑल द वर्ल्ड स्टेज वगैरह जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो AC3 इसमें जो लिखा हुआ है वो MIL3 के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, और MIL2 के लिए आपका यहाँ AC2 ही लिखा हुआ है, तो AC2 ही पढ़ना है इंग्लिश में, और हिंदी में AC3 वाला MIL2 पढ़ना है, ओके। आई होप फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, आपके अनुसार सारी चीज़ें एक जैसी तो नहीं ना रहेंगी, तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। सारा यूनिवर्सिटी कंफर्म है, सारा कॉलेज के प्रोफेसर बोल दिए हैं, सारा पढ़ा लिखा है, सारा भी कॉलेज में इसी पर स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर हो गया कि क्या कुछ करना, कितना सारा चीज़ बताएं एक साथ हम। तो विवेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना जो है सो एडमिट कार्ड दिए हैं, ठीक है, बताने के लिए। और देखिए आप लोग का जो डेट है सारा कुछ उसी तरह से दिया हुआ है, ठीक है, Major 4, Major 5, Minor, MDC, SEC पेपर। तो इनमें से जो आपको जैसा है मेहनत कीजिए, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए अगर नहीं कर पाते मेहनत ज़्यादा तो, ठीक है। और आपको अगर किताब वगैरह नहीं मिल रहा है तो मेरे CSR प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और सारा कुछ पाइए बढ़िया से, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरटेनमेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।